सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का हमारा एक खास मोटिव है, और वो खास मोटिव ये है कि हम जो कि 1 अगस्त से टूर्नामेंट गिल्ड वॉर एंड स्क्वाड वॉर का टूर्नामेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप भी इस टूर्नामेंट में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। एंड गाइस, गिल्ड टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं एंड 31 जुलाई तक जो कि रजिस्ट्रेशन चलेगा। सो गाइस, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। विनिंग प्राइज जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। अब गाइस, बात करते हैं हम कस्टम के कुछ रूल्स की। तो हम कस्टम प्ले करेंगे गिल्ड वॉर या जो कि स्क्वाड वॉर है, उसमें कुछ रूल्स रखे गए हैं गाइस। उन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर आपकी स्क्वाड फर्स्ट प्लेस पे भी आती है तो भी उसको कुछ प्राइज नहीं मिलेगा। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं हम कुछ रूल्स की। सो फर्स्ट रूल जो कि निकल के आता है वो आता है आपके सामने टीमिंग का। अगर आप किसी स्क्वाड के साथ टीमिंग करते हो तो आपको वहीं पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आपको आगे कस्टम प्ले नहीं करने दिया जाएगा गाइस। अगर आपका कोई बंदा, 3 बंदे मर गए हैं एंड आपका एक बंदा किसी स्क्वाड के साथ टीमिंग कर रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल ये है, मतलब हमारे कहने का मोटिव ये है कि हमें एक फेयर गेम प्ले चाहिए। अगर आप हमें फेयर गेम प्ले दोगे तो हम आपको विनिंग का जो प्राइज़ है वो देंगे। अगर आप हमें लगा कि आप फेयर गेम प्ले नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि अगर हमें किसी के ऊपर भी गलती से डाउट हुआ कि ये बंदा गेम में या कस्टम में हैकिंग या और भी कुछ अदर यूज़ कर रहा है जिससे उसका जो कि हेडशॉट ज़्यादा लग रहे हैं या कुछ मूवमेंट स्पीड ज़्यादा हो रही है तो हम उस पूरी स्कोर को भी एलिमिनेट कर देंगे। एंड अब हम बात कर लेते हैं फाइनली एंट्री फी की। तो आपको इस टूर्नामेंट में ज्वाइन होने के लिए ओनली 30 रुपये पर स्कोर का चार्ज देना होगा। ये चार्ज इसलिए हैं ताकि ज़्यादा बंदे ना पाए और जो कि अच्छा हम गेम प्ले कर आपको दिखा पाए सभी को एंड टूर्नामेंट को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो पर स्कोर 30 रुपये का यहाँ पे एंट्री फीस रखा गया। 30 रुपये का मतलब है कि आपको 7.5 रुपये पर पर्सन को देने होंगे। गाइस, ये 7.5 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, आप 2-4-5 रुपये 10 रुपये तो ऐसे दिन में उड़ा देते होंगे आई थिंक। सो ये कोई ज़्यादा नहीं है। एंड अगर आप जीत जाते हो तो इससे 20-30 गुना ज़्यादा लेके जाओगे पर पर्सन, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप भी कस्टम में ज्वाइन होना चाहते हो, टूर्नामेंट में ज्वाइन होना चाहते हो तो 30 रुपये एंट्री फीस के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं अब सीधा टूर्नामेंट में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड लव यू।